तो अभी पॉटर्स वाला देखते हैं हम क्योंकि मार्केट को स्टडी करना है तो पॉर्टर्स फाइव फोर्स मॉडल में ना मार्केट के कंपटीशन को स्टडी किया जाता है कितना कंपटीशन है ज़्यादा है कम है ये इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि जितने ज़्यादा वो फैक्टर्स होंगे उतनी कम प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो अगर कंपनीज़ को सेफ साइड पे रहना है तो पॉर्टर्स फाइव फोर्स मॉडल वो पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके तो से स्टडी कर लेते हैं देन उनको जो है स्ट्रैटी एनालिस करने में ईजी रहता है सो so, सबसे पहला फैक्टर है थ्रेट ऑफ एंट्री अगर किसी भी मार्केट में एंट्री के लिए हाई बैरियर्स है मतलब ईजिली एंट्री नहीं मिलती है तो क्या होता है लोग उससे ना अट्रैक्ट होते हैं कि ऐसा क्या है यहाँ पे हमें हाँ भी जाके प्रॉफिट्स कमाने हैं क्योंकि अगर बैरियर ज़्यादा है तो यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे तो इसलिए लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उसमें तो जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर लोग एग्जिस्ट करते हैं ना जो कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उनको ये स्ट्राइव करना चाहिए कि वो बैरियर्स रहें ताकि और नए कॉम्पिटिटर्स ना आ जाए इसीलिए अब थ्रेड बढ़ जाता है कोई भी का अगर इन्वेस्टमेंट कम है पेटेंट्स कॉपीराइट्स लॉज एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो भी लोग आएंगे ब्रांड रिपूटेशन अच्छी तो भी और नई कंपनीज आने की कोशिश करेंगी गवर्नमेंट लेजिस्लेशन अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो भी कंपनीज़ आने की कोशिश करेंगी थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट अगर क्लोज सब्सटीट्यूट एग्जिस्ट करते हैं मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ जैसे कि अगर आपने देखा होगा टूथपेस्ट टूथपेस्ट के कितने सारे सब्सटिट्यूट्स हैं क्लोजअप है पेप्सिडेंट है कोलगेट है, है तो उससे क्या है कॉम्पटिशन बढ़ता है और कस्टमर्स ईजिली शिफ्ट कर जाते हैं तो हर कंपनी को चेक करना चाहिए कि कितने सब्सटीट्यूट्स हो सकते हैं इसके नेक्स्ट भी है बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर सप्लायर्स होते हैं जो सप्लाई uh, करते हैं सामान कंपनीज को अगर सप्लायर्स की बारगेनिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी ना तो वो क्या करेंगे कंपनी वालों को ज़्यादा सामान बेच देंगे ज़्यादा प्राइस पे सामान बेच देंगे चीप मटेरियल जो होता है तो इससे क्या है कंपनीज़ को लॉस होता है ठीक है तो ये भी एक तरीका है चेक करने का कि सप्लायर्स का क्या दिमाग चल रहा है उस किसी भी पर्टिकुलर मार्केट में बारगेनिंग पावर ऑफ बायर्स मान लीजिए अगर आप Uh, कोई ऐसी चीज़ का बिजनेस करते हैं जिसके बायर्स हैं बहुत ज़्यादा बारगेनिंग करते हैं जैसे कि अगर आप कपड़े सरोजनी नगर से ख़रीदते हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बारगेनिंग करते हैं राइट तो ऐसे में क्या होगा वो बहुत ज़्यादा बारगेनिंग करेंगे क्योंकि सब्सटिट्यूट हैं ईजीली अवेलेबल uh, इतने सारे कपड़े मिल रहे हैं हर जगह सेम सेम से तो वो क्या करते हैं अगर आप नहीं कम करोगे तो वो कहीं और चले जाएंगे और बायर्स अगर प्राइस सेंसिटिव हैं यानी कि अगर उनको लाइक like प्राइस का बहुत ध्यान रहता है कि इस क्वालिटी में इतना ज़्यादा पैसा नहीं देंगे तो उस केस में भी वो बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो कंपनीज़ को स्टडी करना चाहिए कि कंपटीशन और लाइक अगर वो कपड़ों के बिजनेस में जा रहे हैं तो ये चीज़ भी उनको स्टडी करनी पड़ती है स्ट्रैटी एनालिसिस के लिए लास्ट इज़ इंडस्ट्री रिवालरी राइवलरी सॉरी इंडस्ट्री राइवलरी जिसका मतलब है कॉम्पिटिटर्स जो हैं बहुत ज़्यादा है उनमें इतनी हिम्मत है कि वो आपके बिज़नेस को आ, पार करके आगे निकल सकते हैं इतना सक्सेसफुल हो सकते हैं सो या दैट्स इट फॉर टू डेज बेरे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग